हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग करने के लिए आपके फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है क्लॉक नेम से, आपको उसको ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद में यहाँ से आपको प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ से टाइम सेट करना चाहते हैं टाइम सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको जो भी मिनट सेट करना है मिनट सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको अपने फोन में अलार्म एएम में सेट करना है या पीएम में, वो सेट कर लेना है। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है रिपीट का। यहाँ से आप अपने फोन में अलार्म संडे मंडे ट्यूजडे जिस डेज में भी सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है रिंगटोन का, रिंगटोन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको काफी सारी रिंगटोन देखने को मिल जाती है। जो भी आप अपने फोन में अलार्म की रिंगटोन सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लेवल का, लेवल पे क्लिक करके आप अपने फोन में यहाँ पर अलार्म का नेम डाल सकते हैं कि आप अपने फोन में अलार्म किस चीज के लिए लगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सेव का, सेव पर क्लिक करने के बाद में आपके फोन में यहाँ पर अलार्म सेट हो चुका है। बहुत ही सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।